एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ एंड स्टाफ में आपको वेलकम। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत मज़े का चिकन ब्रोस्ट। तो चिकन ब्रोस्ट के लिए जो मैंने 5 ये लेग पीस लिए हैं, ये लेग पीस लिया मैंने ये इस साइज़ में ना, बड़े साइज में मैंने इसको कट करवा लिया। अच्छा, ये पोस्ट के साथ है यानी स्किन के साथ, तो इससे जो है ना वो हमारा ब्रोस्ट बहुत मज़े का बनेगा। इवन रोस्ट बनाना हो या फ्राइड चिकन भी बनाना हो तो ये पोस्ट के साथ होगा ना तो बहुत क्रिस्पी बनता है। तो मैंने इसको स्किन के साथ लिया। ये मैंने 6 जो है वो स्लाइसेस ये पीसेस लिए हैं मैंने। तो हम पहले इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम जो स्टेप जो इसका बनाएंगे पेस्ट, तो बाउल को जो अपने ड्राई रखना है। हॉट सॉस लिए मैंने, ये मैं आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ। मैंने हॉट सॉस लिया है वो मैं लूंगी 2 टेबल स्पून। मस्टर्ड पेस्ट लिया है मैंने, ये लूंगी मैं 1 टेबल स्पून। वाइट पेपर लिया है, वाइट पेपर लूंगी मैं 1 टीस्पून। सॉरी, मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो वाइट पेपर लिया मैंने 1 टीस्पून। ये भी अंदर डाल देंगे, इनको मिक्स करके हम एक पेस्ट बना लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम जो है वो ऑलिव ऑयल डाल देते हैं 1 टीस्पून के करीब। और सारे चिकन को इसके अंदर मैरिनेट कर लेते हैं इस तरह से, हाथों से चिकन के ऊपर लगा देते हैं। सॉरी, सॉल्ट मैं आपको बताना भूल गई। सॉल्ट जो है 1 टीस्पून हमने डालना है इसके अंदर। सॉरी, ये मैं आपको ये मिस हो गया, बल्कि 1.5 टीस्पून डालते हैं हम इसके अंदर। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। हाँ जी, तो इस तरह हम सारे अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे प्रॉपरली सारा लगा के। हम इसको आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें, इस तरह से हम सारा लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैरिनेट कर दिया। अब हम इसको 45 मिनट के बाद इसका अगला प्रोसेस हम करेंगे जी। तो ये मैरिनेट हुआ हमारे 45 मिनट्स हो गए हैं। तो दूध लिया मैंने तकरीबन लगा लें 120 ml होगा, आधा कप लगा लें आप। और कोटिंग के लिए जो मैंने लिया है 5 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है वाइट पेपर, 1 टीस्पून मैंने लिया सॉल्ट, 1.5 टीस्पून मैंने लिया कुटी हुई लाल मिर्च, 2 मैंने अंडे लिए हैं। इसका अब हम पेस्ट बना लेते हैं और फिर इसकी कोटिंग करेंगे। पहले हम अंडों को के अंदर डाल लेते हैं। इसकी 3 कोटिंग होगी। स्टेप 1 था जो मैंने मैरिनेशन करके रखा है, और यह है स्टेप 2। तो अगर आप इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा ब्रोस्ट बनाएंगे। ये सारी चीजें हम डाल देंगे अंदर इस तरह से। इसकी एक कोटिंग जो है वो हम रेडी कर लेंगे। अंडा जो मुझे कम लग रहा है, तो मेरे ख्याल में एक अंडा हम और डाल लेते हैं इसके अंदर, टोटल 3 अंडे हो जाएंगे जी। तो एक अंडा हम और अंदर डाल लेते हैं। तो इसको हम पेस्ट बना लें फिर आपको दिखाते हैं जी। तो हमारा पेस्ट हो गया रेडी। तो इसके अंदर ही हम डालेंगे दूध। दूध मैंने लगा ले आधा डाला है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया। देखते हैं कि इतना ही इनफ है। 100 ml मैंने लिया तो ये इनफ है। इसके अंदर चिकन को हम डिप करके रख देंगे अगेन आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद जो है हम इसको इसकी कोटिंग करेंगे इस तरह से। हम सारा इसके अंदर डाल दें जी। तो ये मैंने
को मैरिनेट किया हुआ था, इसको हम स्टीम करते हैं 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसकी करेंगे फाइनल कोटिंग। तो आप उतने ही डालें जितना ये इजीली स्टीम हो जाए, ज़्यादा मत डालें। तो इसको डाल के हम 15 मिनट के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये सारे आ गए, तो मैंने सारे रख दिया। अब हम इसको स्टीम होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देते हैं जी। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम चिकन को निकाल लेते हैं और फिर अगला प्रोसेस करते हैं। ओके जी, तो स्टेप 3 है, चिकन हमारा स्टीम हो गया। ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, तकरीबन आप लगा ले 250 ग्राम। कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं मैंने 200 ग्राम। और ये पेस्ट है जो हमारा बचा था चिकन का, ठीक है, जो हमने बनाया था मिल्क का, और ये कॉर्नफ्लावर, मैदा और सारी चीज़ें हमने डाली थी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है चिकन को डिप करेंगे। एक साइड पे मैंने कढ़ाई में जो ऑयल है वो गर्म होने रख दिया है। तो इसको हम डिप कर कर के इस तरह से इसके अंदर ऐसे डालेंगे। इसको साइड पे करते हैं। अच्छा, मुझे जो है वो कुकिंग का है शौक, तो मैं अपने शौक से जो है कुकिंग करती हूँ। तो ये पब्लिक डोमेन है, अगर कोई मेरे चैनल को लाइक करता है या फिर किसी को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो उसको जो है वो देख सकता है। और ये दोबारा से हम इसके अंदर डिप करेंगे, वो शेयर भी कर सकता है, क्योंकि अगर मेरा चैनल किसी के भी काम आता है, मेरी चीज़ों को देख के कोई भी सीखता है, तो मुझे तो खुशी है, मैं तो लकी हूँ। तो जो लोग लाइक नहीं करते कि जी उनके चैनल पे कोई और जो उनको कॉपी करे या कुछ भी, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो प्लीज़ अगर किसी को भी कोई अपना काम शुरू करता है या जो भी उनके हैं वो, तो मुझे इस पे कोई नहीं है, मुझे तो बल्कि मैं लकी हूँ कि मेरी वजह से कोई दूसरा भी सीख रहा है। तो प्लीज़ देखा करें, शेयर किया करें। ये मैंने ऑयल को किया हुआ था गर्म, तो अब आँच को हम कर देते हैं, शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों की भी जो हेल्प हो। तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी फील करूंगी कि किसी को भी मेरी वजह से जो है फ़ायदा होता है। तो अगर कोई किसी के चैनल को देख के कुछ करना भी चाहे तो प्लीज़ माइंड ना किया करें, अगर किसी की हेल्प हो जाए तो ज़रूर किया करें। इसमें हमारे कोई पैसे नहीं लगते हैं, जैसे ये है कि मुफ्त में कोई हमसे जो है वो किसी की वजह से, थोड़ा सा हमारी एफर्ट से अगर किसी का रिस्क चल जाता है या कुछ भी हो जाता है, जो कि इसको फॉलो कर लेता, कोई इतना इशू नहीं है। देखिए जी, इस तरह से हमने इसको हल्की आंच पे, आंच को बिल्कुल हल्का कर देना, हमने इसको फ्राई कर लेना है। देखो, हम इसकी साइड पिंच करते हैं, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको करना है ताकि ये अंदर तक जो है वो फ्राई हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के लेग पीस हैं तो ये कच्चे ना रहे अंदर से। आपने इसको प्रॉपरली जो है वो फ्राई करना है इस तरह से, दूसरी साइड से भी इसको कर लेते हैं जी। तो हम अपना ब्रोस चेक करते हैं, देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी हमारा ब्रोस जो है वो रेडी हो रहा है। इसको 3-4 मिनट हम जो है फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल के डिश आउट करेंगे। ये तो हमारा बड़ा मज़े का जो ब्रोस्ट रेडी हो गया, अब हम इसको निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ओके जी, तो देखिए हमारा बहुत मज़े का जो ब्रोस्ट है वो रेडी हो गया है। तो आप प्लीज़ इसको बनाएं, बनाकर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ दूसरों का भी भला किया करें। अगर कोई चीज़ आपकी चीज़ों को कोई फॉलो करता है कोई भी, तो उसको फॉलो करने दें, तो अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर देगा। और आप सबको खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।